नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हुक्का पीते हुए मशीन को देखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम अपने देवताओं पर गए थे संडे के दिन और खूब मौज मस्ती की परिवार के साथ। एक पिकनिक जैसा टूर होता है जब भी देवताओं पर हम जाते हैं अपने, और मेरी ये रिकमेंडेशन कि आप भी समय निकाल कर अपने परिवार के साथ ज़रूर से जाइए कहीं भी घूमने के लिए। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है लास्ट ट्यूसडे से, जिसमें हमारा लैंटर पड़ा था। काफ़ी दिनों से हमारा जो घर है वो हम दोबारा तोड़ कर नया बना रहे हैं, तो उसका लैंटर पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा था कि इस बार देवताओं पर जाके आने के बाद हम मंडे के दिन लैंटर को पाटेंगे, लेकिन कुछ सीमेंट की वजह से, कुछ इंद्र देवता की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया समय पर। क्योंकि ऐसा है भी कि समय से पहले कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो वो दिन आया ट्यूसडे, तो मंडे में बेसिकली हम सारी तैयारियां ही कर पाए थे, सब सामान लाना, और ट्यूसडे के दिन हमने लैंटर पाटने की सोची। और सभी जो मोहल्ले पड़ोस से लेकर जो हमारे परिवार जन थे, गांव देहात में यही होता है कि यार खाने वाने का इंतज़ाम करना होता है। शहरों में क्या है कि चार चार लड्डू लैंटर पर प्रसाद के तौर पर दे दिए और चलो छुट्टी हो गई, लेकिन गांव में क्या है कि यार प्रॉपर आपको दावत करनी होती है। सो पूरा टाइम लगा, हम भी उसमें इंक्लूड थे, सामान लाना, मिस्त्री को कोल्ड ड्रिंक पिलाना, ये सामान देखना, ऊपर खाना बन रहा था, तो ज़्यादा कुछ तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं वाकई में बहुत खुश था, क्योंकि करीब करीब 4 महीने हो गए यार, ज़्यादा लैंटर नहीं है, 1000 फुट का लैंटर है हमारा घर का, और उसमें 4 महीने निकल गए, मतलब टाइम ज़्यादा ही हो गया। कुछ हमारी ढिलाई थी, कुछ फिर मिस्त्री की ढिलाई थी, लेकिन फाइनली इस ट्यूसडे जब हमारा लैंटर वो डला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं कुछ छोटी सी वीडियोस आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगा। आप देखिए लैंटर पढ़ने से लेकर पढ़ने तक क्या क्या हुआ। मैं थोड़ा बिज़ी भी था, ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाया, लगा हुआ था मिस्त्रियों की सेवा में। तो बाकी तो चलिए देखते हैं। सो लगभग 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपना तामझाम जोड़ना जो है शुरू कर दिया था, और मिस्त्री जो थे हमारे जो चिनाई करने वाले थे वो अपना नीचे काम कर रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में कुछ चीज़ गलत है, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, एट लास्ट तक देख रहे हैं, तो आप उस गलती को ज़रूर से कमेंट में बताइए। तो ये जो अभी सीढ़ियों पर बैठे थे महाशय, ये इलेक्ट्रीशियन थे। हमने कहीं भी कमरों के अंदर कंसील लाइट नहीं लगवाई है, और जो लगवाई है वो हॉल के अंदर लगवाई है, 2 फ़ैन हैं, और बाकी तो सारा प्रोसेस वही है जो होता है, पूरा स्पाइडर जाल बिछाया हुआ है पाइप का। और फाइनली 10:30 बजे के आसपास मिस्त्रियों ने, जो लेबर आई हुई थी, उन्होंने अपना काम चालू किया। और आप ये देख सकते हैं ये जो ढोलक है या ढोल है ये हुक्का पी रहा है। खैर मजाक छोड़ो, उसके बाद तो चलिए मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ कि क्या आना है इसमें। जो है मिक्सचर, ये मिक्सचर हो रहा है, उसके बाद जो इसका पीछे जो ट्रॉली सी है उसमें इसको डाल देंगे। जैसे कि आप अपने देखा कि घुमाया, इसको डाल दिया, ये ट्रॉली अब ऊपर जाती है सीधे जनरेटर से कनेक्टेड। ऊपर जाने के बाद इसको खाली कर लिया जाता है ऊपर रखी हुई ट्रॉलीज में। तो यार ये चीज़ ना देखनी बड़ी सेटिस्फाइंग है, एक तरह से ये समझिए कि जैसे आप JCB की खुदाई देख रहे हैं, आप घंटों तक खड़े होकर उसको देख सकते हैं। बड़ी सुकून भरी चीज़ है यार, मज़ा आता है, कभी भी आप नहीं थकते। तो फाइनली एक बंदा इनका लगा हुआ था लेबर का, वो इस ट्रॉली को लेकर जाता है वहाँ पर जहाँ पर हमारे मिस्त्री लेंटर डालने वाले लगे हुए हैं। मिस्त्री फिर इसको फैला देते हैं अपने हिसाब से, वो सेट करना होता है जैसे भी है। तो ये छोटा सा प्रोसेस जो है उसको करने में बहुत टाइम लगा हमें, लेकिन फाइनली करीब करीब 4 घंटे के आसपास का टाइम लगा, और खुशी की लहर दौड़ गई यार सच में। सो गाइज, आपके साथ मुझे अपनी ये खुशी शेयर करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर से बताइए। और इस थोड़ी ही दिनों में मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ। बेसिकली जिस घर में हम रह रहे हैं टेम्परेरीली, ताऊ जी के घर में अपने, मैं चाहता हूँ कि उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अच्छा खासा बनाया हुआ है, पूरी तरह से इन्होंने अभी कम्प्लीट नहीं किया है।
इन्होंने जस्ट हमसे पहले ही इस घर को बनवाया है टेम्प्रेरी बेस पर रहने के लिए, जिससे कि हम सस्टेन करें, लाइट की प्रॉब्लम ना हो, पानी की प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने बहुत उन्होंने हमारे लिए किया है, उसके लिए थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो मैं होम टूर कराऊंगा इस घर का। तो सामान थोड़ा ऐसे ही रहता है, यू नो, जब किसी घर में हम रहते हैं तो थोड़ी सी स्पेसिफाइड जगह पर रहना पड़ता है, तो उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी देखिएगा तो अच्छा लगेगा आपको भी, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू।